नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी प्रत्येक दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इस देश में 4000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हवाला देते हुए बताया गया है कि शनिवार को इस वायरस ने 57 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4767 लोगों इस बीमारी के संपर्क में आए हैं, जहाँ पर कुल कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 14215 तक पहुँच गया। हालांकि कुल कोरोना मामलों की संख्या 40120 है। जियो न्यूज के अनुसार कोरोना मामले का राष्ट्रीय सकारात्मक अनुपात 10.4% हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 11 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और तो और, बुधवार को पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री सफकत महमूद ने निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 11 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बड़ी बात तो ये सामने आई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हैं। बता दें कि हाल ही में थोड़ी दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने अपनी मीडिया टीम के साथ मौजूद होकर बैठक ली। इस खबर के सामने आने के बाद उनकी जमकर किरकिरी हो गई है। विपक्ष लगातार उनकी आलोचना कर रहा है, इसके बाद वे आवाम के निशाने पर भी आ गए हैं। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की कोविड जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। विभोर गुप्ता MD ब्लाउज फैक्ट्री बिजौली झांसी की ओर से सभी देशवासियों को होली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।